कोरोना के बीच श्रीलंका में जारी लंका प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का साया छाने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पूर्व नेशनल प्लेयर ने लीग में खेल रहे खिलाड़ी से संपर्क किया। मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की एंटी करप्शन यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन आरोपों को नकार दिया है। वहीं आईसीसी ने कहा कि जांच के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकेगा। एंटी करप्शन यूनिट ने अधिकारियों ने कहा कि मामले को लेकर नेशनल बोर्ड और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बात की जा रही है। लंका प्रीमियर लीग ने 26 नवंबर से बिना दर्शकों के शुरू हुई है। एलपीएल में 5 टीमें हैं, इसमें कोलंबो किंग्स, कैंडी टर्गर्स, जाफान स्टैंगलिस, दाम्बुला हॉक्स और गाले गिलिस्टर्स शामिल हैं। लीग में कुल 23 मैच होने हैं। फाइनल 16 दिसंबर तक खेला जाएगा। प्रत्येक दिन डबल हेडर मैच होंगे। वहीं 13 और 14 दिसंबर को सेमीफाइनल होगा। इरफान पठान, मुनाफ पटेल, मनप्रीत गोनी और सुदीप त्यागी समेत कई खिलाड़ी एलपीएल खेल रहे हैं। भारत के वही खिलाड़ी विदेशी लीग खेल रखते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल से संन्यास ले लिया हो।